माननीय सोनिया गांधी जी वाज सुपर प्राइम मिनिस्टर। कांग्रेस के डीएनए में करप्शन, बैंक को मिसयूज करना, फ्रजाइल फाइल का इकोनॉमी में आने का कारण क्या है? एनएसी का परमिशन लेने के लिए सरकार से गया, क्या वो कैबिनेट है, क्या वो अप्रूव्ड पार्लियामेंट है, क्या वो स्टैंडिंग कमिटी है? वेरी अरोगेंट हु डिड नॉट केयर फॉर हिज ओन प्राइम मिनिस्टर। यूपीए का मिसमैनेजमेंट, यूपीए का घोटाला ड्रिवन 10 साल, यूपीए का मिसमैनेजमेंट, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सब का केंद्र बिंदु है लीडरशिप का प्रॉब्लम, रडरलेस लीडरलेस। सर, माननीय सोनिया गांधी जी वॉज सुपर प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनअकाउंटेबल पर्सन। ऑफकोर्स सर, सुबह मैंने SBI चेयरमैन के विषय बोले, RK तलवार जी के विषय बोले, वो नहीं मेंशन, मगर कांग्रेस के डीएनए में करप्शन, बैंक को मिसयूज करना, ये संदर्भ में वो ने उसको मैंने बोला। ऐसे ही ये मिसमैनेजमेंट और फ्रजाइल फाइल का इकोनॉमी में आने का कारण क्या है? हर एक गोपला का एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, मगर इन सब का कारण क्या है? मैं जरूर बोलना चाहूंगी, लीडरशिप अगर सही है तो ऐसे हालात होता क्या? इसीलिए सर मैं बात इसलिए बोल रही हूं, गवर्नेंस के ऊपर ये मेजर दबाव था, बिकॉज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनको मिला, 710 फाइल्स एनएसी के बाद एनएसी का परमिशन लेने के लिए सरकार से गया, क्या वो कैबिनेट है, क्या वो अप्रूव्ड पार्लियामेंट है, क्या वो स्टैंडिंग कमिटी है? क्यों उनके हाथ में जाना 710 फाइल्स? वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है क्या? वो अनअकाउंटेबल पावर था, अनअकाउंटेबल अनआंसरेबल पावर था, पार्लियामेंट में उसका जवाब देने का स्थान ही नहीं था, उनके पास क्यों 710 फाइल्स गया? ऐसे ही अनअकाउंटेबल पावर के कारण ये गपले साल में एक बड़ा टिकट कॉम गपला होता रहा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल यूज ऑफ पावर। सर ऑल्सो आपको मालूम है, प्रधानमंत्री जी हम सब रेस्पेक्ट करते हैं, माननीय मनमोहन सिंह जी को, उनके ही प्रधानमंत्री रहते हुए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करते हैं, हमें लेक्चर देते हैं। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और विदेश के पर्यटन में थे, इधर कांग्रेस के तब के चाहे जनरल सेक्रेटरी थे या प्रेसिडेंट थे, पुराना बात 10 साल के पुराना बात भी अभी बोलने का आवश्यकता है? ऑर्डिनेंस को फाड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेंका, वो क्या मर्यादा नहीं है? वो अवमानना नहीं है प्राइम मिनिस्टर को? इंसल्टिंग हिज ओन प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर, ये ऐसे घमंड और गर्वी, मतलब वेरी एरोगेंट हु डिड नॉट केयर फॉर हिज ओन प्राइम मिनिस्टर, ये इंस्टीट्यूशन के ऊपर इतना चिल्ला रहे हैं आजकल, हमें लेक्चर दे रहे हैं, व्हेन हिज ओन प्राइम मिनिस्टर को इंसल्ट करते हुए, जब वो प्राइम मिनिस्टर विदेश में थे, वो ऑर्डिनेंस को फेंक के, तब कहां गया हमारे प्रेम इनके प्रेमचंद्रन जी? बेसलेस बेसलेस हमें बोलते हैं एनके प्रेमचंद्र जी, तब उठ करके बोलना था, अरे हमारा प्राइम मिनिस्टर को क्यों इंसल्ट कर रही हो, ये गलत है बोलने को, तब RSP नहीं था, रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जो इनके प्रेमचंद्रन जी का, तब नहीं था, क्यों उठा करके पूछा नहीं? अभी हमें पूछ रहे बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे ग्रेट लेजिस्लेशन हुआ, अभी उनका ऑल्टरनेटिव कुछ प्रपोजल के लिए बात कर रहे थे, उस समय अच्छा कानून हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, मैं उसके विषय में आ रही हूं सर, इतने सारे अच्छा कानून बोल रहे हैं ना इनके प्रेमचंद्र, क्या NAC के द्वारा कानून आपको मंजूर है? NAC कौन है? NAC कौन सा बॉडी है?
उसके द्वारा जब कानून आता है एनके प्रेमचंद्रन जी को मंजूर है उसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किचन कैबिनेट से वर्स ऐसे सेलेक्टिव मोरालिटी को हाईलाइट करने वाले से मैं विनम्रता से मांग रही हूं प्लीज आपके हाई मोरल ग्राउंड को इस पार भी उपयोग करो उस पार भी उपयोग करो। एनए से कानून बन सकता है, हम व्हाइट पेपर इधर रख नहीं सकते। इलेक्टेड गवर्नमेंट कांट कीप अ व्हाइट पेपर हियर। यू हैड अ किचन कैबिनेट से वर्स सुपर प्राइम मिनिस्टर उनके एनएसी के द्वारा एक्टिविस्ट आंदोलन जीवी बना रहे कानून उसको मंजूर दे रहे हो, वो अच्छा कानून बोल रहे हो, वो तब आपको आपत्तिजनक नहीं माना। फ्रॉम ब्रेकिंग न्यूज, डिटेल्ड एनालिसिस, इन डेप्थ इंटरव्यूज एंड एक्सप्लेनर्स, फॉलो द टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो।